저렇게 गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी लोगों को शुभ प्रभात सब लोग लाइव में जुड़ जाइए और uh, जैसा कि अभी देखिए जितने भी महत्वपूर्ण राज्य हैं जैसे कि मान के चलिए अभी आप लोग का छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश है देखिए बहुत सारी जगहों पे अभी तो एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रही हैं लाइक ई एम आर एस में हो गया आप लोग का आ, अलग अलग जो स्टेट है यूपी बिहार यहाँ पर भी अभी शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है पर जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं ठीक है थीके? उन लोग का थोड़ा सा सिस्टम सरकारों ने बिगाड़ रखा है अब किसको दोष दें कहीं पर कांग्रेस की सरकार है कहीं पर भाजपा की सरकार है पर चलिए जैसा भी है सबका काम तो एक ही जैसा दिख रहा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में भी जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है अब उसकी तैयारी तो आदमी स्टार्ट करे बट वो कब होगी ये धीरे धीरे देखना रहेगा हालांकि उम्मीद है कि भी आचार संहिता से, से पहले कुछ अच्छा बड़ा न्यूज आ जाए जो छात्र हित में रहे मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ये सीन और ज्यादा दयनीय है क्योंकि वहां पर पांच महीना पहले वर्ग दो की पात्रता परीक्षा ली जा चुकी है परंतु तो सिलेबस आज तक नहीं दिया गया है और अगर सिलेबस मिल गया रहता ना तो बच्चे कम से कम डायरेक्शनल होकर पढ़ाई करते ठीक है क्योंकि इन्होंने वर्ग एक का अगर देखा जाए दोस्तों तो पात्रता परीक्षा की सिलेबस कुछ अलग रखी थी और चयन परीक्षा का सिलेबस थोड़ा अलग था तो एक बार सिलेबस अगर रिलीज गवर्नमेंट की ओर से हो जाता तो छात्रों को उतना ज़्यादा रोश नहीं रहता वो कम से कम पढ़ाई करते रहते तो इसीलिए हम अब एक सिस्टम बना रहे हैं कि भैया आपकी पढ़ाई ना रुके अब चीज़ें तो जैसी दिख रही हैं कि एग्ज़ाम जब भी हो आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका रिवीजन चलते रहना चाहिए इसीलिए आज से मान के चलिए कि मैं रोजाना आप लोगों के बीच में एम सी क्यू क्वेश्चन कंटिन्यू कराते रहूंगा और उस एमसी क्यू से अगर आप मेरे साथ रोज बने रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी लगातार बने रहेगा आपको देखिए क्योंकि मुझे भी पता है कि आधी से ज्यादा जनसंख्या जो होती है ना जब एग्जाम सामने नहीं दिखता है तो वो लोग पढ़ाई रोक देते हैं बट मैं बस इतना बोलूंगा दोस्तों कि आप खाली डेली आके मेरा एम सी क्यू सीरीज कोई अटेंड कर लिए रहे हैं बाकी सब चीजें आप लोग मान के चलो कि उसी में कवर हो जाएंगे तो इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग अः सवाल है कि भैया सर एग्जाम तो होने वाला नहीं है क्या ही लिए इतना हम लोग और ज्यादा मेहनत करें तो भैया जो मेहनत किए हुए हो ना वो भी छू अंतर हो जाएगा और मैं नहीं बोल रहा कि एकदम दमदार तरीके से आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो अलग स्वच्छा है सामने एग्जाम नहीं देखेगा बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है हकीकत है हम भी स्टूडेंट दौर से गुजरे हैं तो हमको भी पता है बट अब इसको कैसे मेंटेन किया जाए अब कमियां है तो भी उस कमियों को मेंटेन भी तो करना है तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बीच में क्या लेकर आया हूँ सर एम सीरीज लेकर आ रहा हूँ चाहे वो आपका टीजी टी का था या पी का था मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो बना के कहा था कि मैं इसको आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के बीच में जरूर लेकर आऊंगा और आज से वो कवायत अपन चालू कर रहे हैं चलिए सवाल देखिए सवाल स्टैंडर्ड लेवल के रहेंगे एग्जामों में पूछे हुए सवाल रहेंगे तो दोस्तों बस इतना बोलूंगा डेली जुड़ जाइएगा साथ में और मिलकर मेहनत करते हैं बेहतर से बेहतरीन करेंगे ठीक है चलिए बस मेहनत पढ़ाई की करनी है और कुछ नहीं पूछा गया है जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं ठीक है जिससे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बोलते हो जो कि सामान्य तौर पर अधिक पैदावार लेने के लिए किया जाता है मैं सामान्य रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा तीसरा तत्व कौन सा होता है क्या वो सोडियम होता है कि वो कैल्शियम होता है कि पोटेशियम होता है कि बेरियम होता है। होता है है भैया जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर उर्वरक जिसको आप लोग बोलते हो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा तीसरा तत्व है सर पोटेशियम कौन है सर पोटेशियम अब पोटेशियम का क्या रोल है तो एक बात समझिएगा मैं बस इतना आप लोग को एक एग्जांपल बताता हूं आपने बनाना मतलब केला खाया ही होगा तो केले में आपने कभी भी देखा होगा कि केले में कीड़े नहीं पड़ते हैं ये एक बहुत uh, सच्चाई वाली बात है केले में कीड़े नहीं देख सकते आप केला ना सड़ जाएगा सूख जाएगा काला एकदम गायब हो जाएगा बट उसमें कीड़े नहीं आएंगे सेव में कीड़े लग जाते हैं संतरों में कीड़े लग जाएंगे सब जगह लग सकते हैं सेले में, uh, में नहीं लगते कारण क्या है पता है क्योंकि केले में पाया जाता है पोटेशियम और पोटेशियम अपने आप में लिटिल बिट रेडियो एक्टिविटी को शो ऑफ करता है इसलिए उसमें कीड़े नहीं लग पाते हैं अब रहा सवाल कि पोटेशियम में एक और अच्छी बात बता रहा हूँ केले में इतना पोटेशियम पाया जाता है ना सर कि एक पूरा का पूरा इंसान को गलाने के लिए काफी है अब आप बोलोगे सर हम तो दस दस केले खा लेते हैं फिर भी हमारा तो शरीर एकदम तंदुरुस्त खड़ा है तो भैया वो इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि वो जैसे ही पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आता है ना एयर के कांटेक्ट में आता है जैसे आप उसका छिलका छिलते हैं आप उसको दांतों से काटते हैं उतने देर में वो पूरा जल जाता है समझ में आया ये बात तो एक फैक्ट ओरिएंटेड साइंस के साथ हमने कुछ तथ्यों के ऊपर भी चर्चा कर लिया होप सो सबको ये सेशन पसंद आ रहा होगा चलिए और लाइक like शेयर करते चलिएगा दोस्तों आप लोग भी ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मेरी ये पूरी प्रयास यही है कि वो जो बच्चे जो एकदम अभी दुविधा में फंसे हुए हैं एग्जाम कब होगा नहीं होगा वाले अड़चन में जूझ रहे हैं आप लोगों की एटलीस्ट जितनी आपने मेहनत की है वो गवा जाया ना जाए इसलिए हम एमसीक्यू सीरीज लगातार चलाते रहेंगे अभी ये टी साइंस का है मैं आज से टी जी टी का भी चालू कर दूंगा पीजीटी फिजिक्स पीजीटी केमिस्ट्री इनकी भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सी में रिलीज कर रहा हूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब के ऊपर रहेगी आप लोग अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा ठीक है और डेली जुड़िएगा क्योंकि ना मुझे भी पता है कि एक बार पढ़ाई छूटा ना सर तो फिर वापसी करने मुश्किल हो जाएगी और कितना आदमी इंस्पायर होता है कि आप लोग मैं जब बात करता हूं एकदम पैंतीस के एज में छत्तीस के एज में भी लोग आके मेहनत कर रहे हैं तैयारी से अपने आप को लड़ा रहे हैं डेली डेली चलिए दूसरे सवाल की ओर आइए एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्नों जिसको हम लोग टम्बलर्स बोलते हैं को ठंडे पानी के उपयोग से कैसे अलग किया जा सकता है ऑप्शन है बाहरी मंगने पर ठंडा पानी डाल दो या अंदर के मंगने पर ठंडा पानी डाल के या दोनों मंगने को ठंडे पानी में रख के या ठंडे पानी के उपयोग से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है तो भैया इस सवाल का एक्चुअल जवाब क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा थॉट ओरिएंटेड क्वेश्चन है और जवाब हो जाएगा सर अंदर वाले मंगने पर जैसे ही आप लोग ठंडा पानी डालेंगे ठीक है वहां से लेयर डिफरेंट हो जाता है और वो अलग हो जाएंगे ठीक है हालांकि ये ऐसी फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसको हटाइए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सवाल है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एस एस में और दुनिया भर के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है देखो पहले क्या था पहले आप लोगों को पता है प्लेटो सुक्रात विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे और उन लोगों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र हुआ करती थी और जो सूर्य है चंद्रमा है जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते थे कारण क्या है क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर पाए जाते हैं और हमको चीजें स्टेशनरी लगती हैं हालांकि हमको ये बात भी सोचना पड़ेगा कि पृथ्वी घोल घूम रही है आपको पता है ना पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है और बाद में किसी एक बड़े वैज्ञानिक ने बताया महान वैज्ञानिक ने कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है तो यही बात आपसे सवाल पूछा गया है और उस पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे हैं। बट वही है ना रिलेटिव मोशन देखा जाए तो जीरो इसलिए हमको लगता है कि मैं स्टेशनरी कंडीशन में हूं जबकि मुझे साइंस बताता है कि मैं बहुत हाई स्पीड से कंटिन्यू मोशन कर रहा हूं ठीक है चलिए अब मेरा सवाल ये है सर कि जो प्लेटो सुकरात थे उन्होंने ये मान लिया था क्या माना था कि भैया पृथ्वी केंद्र है और सूरज जो है ऐसे पूर्व से निकल के पश्चिम में जाता है चंद्रमा भी ऐसे ही मोशन करता है सारे ग्रह नक्षत्र चांद सितारे सबके सब क्या कर रहे हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं इस कथन को सबसे पहले विरोध करने वाले में आप सब लोगों को पता है बहुत उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए जिसमें प्रमुख रूप से नाम याद रखना अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा फेमस हुए ठीक है जैसे एक तो पहला जो चौदहवीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ कोपर कौन थे सर कॉपर निकस थे गैलीलियो गैलीली थी गैलीलियो गैलीली को तो आप लोग मान के चलिए कि केवल उसने साइंस के फैक्ट को दुनिया के सामने रखा जो रूढ़ीवादिता के नियम थे उनका विरोध किया प्रैक्टिकली कर करके कर दिखाया कि जो पुराने नियम है वो गलत हैं उस चक्कर में उसको इतनी प्रताड़ना दी गई जीवन भर जेल में रखा गया और किवंती है कि उसे फांसी भी दे दिया गया ठीक है पुराने जमाने में जब वो धार्मिक चीजें जब हावी रहती थी ना तब वैज्ञानिक लोगों को मंदिर मस्जिद या चर्च में जाने की इजाजत नहीं थी हकीकत बता रहा हूं मैं खाली न्यूटन इसका एक अपवाद रहा है वो भी आप लोग सोलहवीं सदी के वैज्ञानिक थे चलिए ध्यान से समझिए तो आपसे पूछा गया है कि ये सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो वो है हमारे कोपरनिकस कौन है सर कोपरनिकस कोपरनिकस गैलीलियो गैलीली आप लोग के कैपलर ये उस जमाने के वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के विज्ञान की आधार रखी थी ठीक है चलिए आगे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण अभी यह जो समुद्र होता है आप सब लोग को पता है एक दिन में दो बार ज्वार आता है दो बार भाटा आता है ज्वार का मतलब क्या होता है ज्वार का मतलब टाइट्स टाइट्स मतलब आप समझेंगे कि जो समुद्र का जो जल है वो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है या सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर आप सबने देखा है कि चंद्रमा जो है चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या हो रहा है सर एलॉप्टिकल पाथ में घूम रहा है अब मुद्दा क्या होता है मुद्दा ये होता है कि सर यहाँ पर ये चंद्रमा है जब वो पृथ्वी के एकदम पास आ जाएगा तो अभ्य बात है चंद्रमा भी एक मैसिव पार्टिकल है और अपना अर्थ भी एक मैसिव पार्टिकल पार्टिकल है पार्टिकल मतलब बॉडी है ठीक है बड़ा ऑब्जेक्ट है तो दोनों की ग्रेविटी आपस में एक दूसरे से टकराएगी अब आप एक बात समझिएगा पानी। पानी जब ग्रेविटी आप तो आप छपाक -छपाक तो आपस में टकराएंगे चंद्रमा की और पृथ्वी की तो ऐसे में क्या होता है कि पृथ्वी पर जो सत्तर पानी है वो ऊपर उठ जाएगा क्योंकि चंद्रमा तो एक दिन में आपका पूरा चक्कर मार रहा है ना पृथ्वी का भी है ना और अपने पूरे उसमें अक्ष पे जो है वो अपने अक्ष पे भी घूम रहा है और पूरा पृथ्वी के चारों ओर भी लगभग आपको भी पता है कि चौदह दिन का अमावस्या चौदह दिन का वो रहता है पूर्णिमा रहती है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तो वो लगभग अट्ठाईस उन्तीस दिन में एक चक्कर मारता है चलो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो टाइड रहता है ना जिसको आप लोग ज्वार बोलते हो ये क्या होता है पानी ऊपर उठ जाएगा अब पानी ऊपर उठेगा तो ऑब्वियसली बात है वो नीचे भी तो उतरेगा वो नीचे भी तो उतरेगा इससे क्या होता है समुद्र में हलचले होने लगती हैं और ये एनर्जी है टाइडल एनर्जी जिसको बोलते हैं इसमें इतनी एनर्जी है कि इसके स्टोर करके हम लोग विद्युत ऊर्जा का निर्माण भी करते हैं ठीक है अब ये भी बता दे रहा हूं कि प्रत्येक ज्वार जो है ना वो 12 घंटा 26 मिनट पे एक आता है हर 12 घंटा 26 मिनट पे एक ज्वार की उम्मीद रहती है ठीक है वैज्ञानिकों ने इसको कैलकुलेट कर लिया है और जो एब है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर भाटा ठीक है वाटर लेयर का नीचे उतरना तो ये जो रहता है ये हर छह घंटा तेरह मिनट में होता है तो ये भी एक फैक्ट याद रखना ज्वार और बाटा से रिलेटेड कि कितने कितने टाइम पर ये होता है देखो ये जो एमसीक्यू सीरीज रहेगी ये अनवरत अथक चलने वाली सीरीज रहेगी जब तक कि आप लोग का एग्जाम यथार्थ ना बन जाए क्योंकि मुझे भी पता है दोनों ही जगह की सरकार जो भी बहुत सी स्टूडेंट अपने से जुड़े हुए हैं ठीक है थेके? सरकारों ने बच्चों को अधर्म ला दिया है अब किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है छत्तीसगढ़ वाले कांग्रेस को कोसेंगे मध्य प्रदेश वाले भाजपा को कोसेंगे पर हकीकत यही देखा जाए कि छात्रों की कोई ही नहीं रहा है अब मुझे बस एक चीज अपने स्तर से समझ में आई कि मैं क्या कर सकता हूं या हमारी पूरी टीम क्या कर सकती है तो हम बस इतना ही कह सकते हैं दोस्तों कि आप बस मेहनत करते रहिए एक शिक्षक होने के नाते मुझे पता है कि बहुत मेहनत से आदमी सिलेबस को तैयार करता है जो स्टूडेंट होता है ठीक है अब ऐसे में सामने एग्जाम नहीं दिखता है और साफ दिखता है कि एक बार आचार संहिता चढ़ा उसके पहले वैकेंसीज नहीं आई क्योंकि आज से एक हफ्ते का समय है हमारे पास दोनों ही राज्यों की बात कर रहा हूं मैं एक हफ्ते बाद ठंडे बस्ते में सारी चीजें जानी है कम से कम तीन चार महीने के लिए क्योंकि चुनाव होंगे चुनाव का प्रचार प्रसार चलेगा पता नहीं किस मुंह से वो लोग आके वोट मांगेंगे है ना मैं किसी पार्टी के विशेष पे ऐसा प्रहार नहीं कर रहा मैं बस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही जगह का एक ही हाल है ना आदमी फैक्ट बता रहा है, अलग अलग सरकारें पर काम एक जैसा है, है, है धांधली हो जाती है 18 साल तक की अगर वो देखा जाए ना जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स देते हैं इनकी जनसंख्या ना पूरे राज्य की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई से ज्यादा है तो इनमें वो ताकत है ना जो जज्बात हालात सरकार तीनों बदल सकती है तो सरकार अगर ये चीज नहीं देख पा रही है तो फिर मुझे तो लगता है कि ये समय के साथ उनको समझ में आ जाएगा कि समय पे देख लिए रहते तो बेहतर रहता चलिए जो भी है चुनावी बातें हम नहीं करेंगे पर मैं बस इतना बोलूंगा कि आपकी पढ़ाई ना रुके क्योंकि मेहनत से आपने सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिर वो चीजें ना गैप हो जाती हैं हम खुद इस चीज को फेस करते हैं तो गैप मैं आने नहीं दूंगा मैं ऐसी सीरीज आप लोग के बीच में रेगुलर लेके आऊंगा मैथ साइंस

पता चल रहा है मैं पढ़ाया जा रहा हूँ पढ़ाया जा रहा हूँ और फिर बच्चे डिसअपॉइंटेड हो जा रहे हैं भैया मैं आप डिसेड ना हूँ इसीलिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ठीक है आइए ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है तो भैया सूर्य के प्रभाव से ठीक है पृथ्वी के घूर्णन गति से एक्चुअली मैं इसको गलत भी नहीं बोल सकते हैं। अगला सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से या गुरुत्वाकर्षण अभी केंद्रीय बल तथा अप केंद्रीय बल से ये तो देखो अभी केंद्र अभिक्र बल वाला सिस्टम नहीं है ये जो ज्वार भाटा होता है सूर्य और चंद्रमा के दोनों के संयुक्त तो प्रभाव के कारण होता है क्योंकि चंद्रमा उसमें तो डायरेक्ट नाम आ ही गया है और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तो सूर्य से ही पड़ेगा क्योंकि पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों और दीर्घ वृत्त कार्यलॉप्टिकल पाथ में मोशन कर रही है तो जब वो पास आती है जब वो पास आती है तब आपको पता है कि वो चीजें बड़ी हो जाती है एक बात तो और समझिएगा मेरे ख्याल से दो की बात है ठीक है तब मैं सेवेंथ एथ स्टैंडर्ड में रह रहा बट मेरा साइंस पे उस समय कहना चाहिए कि इंटरेस्ट या साइंस का जो आधार था वो बड़ा अच्छा था मैं हर जगह साइंस लगाता भी था तब सातवी या अच्छा छठी का बच्चा हो रहा हूंगा मैं उस दिन मुझे चांद बहुत बड़ा दिखा बहुत ज्यादा बड़ा दिखा प्रैक्टिकली हकीकत बात बता रहा हूँ मैं सात का या तीन का जब भी कैसा में रहा होगा तो चांद बहुत बड़ा दिखा मैंने अपने दोस्तों को क्या बोला पता है आज अनएक्सपेक्टेडली चांद इतना बड़ा दिख रहा है सातवीं में ये चीजें मेरे को क्लियर थी उस समय ये बड़ा इतफाक की बात थी मैंने साफ बोल दिया था कि आज पृथ्वी के कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है सब बोल रहे अरे इतना सुंदर चांद देख रहा है तू तो प्रलय की बात कर रहा है और आप हकीकत मान लीजिए उस साल इंडोनेशिया में इतिहास का सबसे बड़ा बाढ़ आया था लगभग डेढ़ लाख लग से ज्यादा लोग भी उसमें बर्बाद हो गए थे मतलब उनकी मौतें हो गई थी ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्यों पूछा गया है गांव में से एक बड़े पत्र में दही को बिलो कर मक्खन निकाला जाता है इसमें भौतिकी के कौन सा सिद्धांत अभी ये टीचर भर्ती में आया ठीक है ये आप लोग के सीजी मतलब वर्ग दो में आ गया या इस टाइप के ही क्वेश्चन में आया था ये मतलब आते रहता है ठीक है अब कहा के टीचर भर्ती में आया वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है बट मैंने देखा इसको दो हजार अभी बाईस एग्जाम में पूछा इसमें कौन सा सिद्धांत का उपयोग किया जाता है क्या वो विसरण होता है मतलब डिफ्यूजन डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है सर डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी छोटे से आ, होल से गैसों का विनिमय होना मतलब रि, रि, रिलीज होना समझ में आया उसे हम लोग विसरण कहते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं और निस्थापन हो रहा है मतलब डिस होता है अपकेंद्रण हो रहा है सेंट्रिफिकेशन हो रहा है या अपोहन हो रहा है आपसे पूछा गया है मक्खन को क्या करना है निकाला जाना है किससे दही से बिलोकर मक्खन को निकाला जाना है इस प्रोसेस को हम लोग उसका सेंट्रीफिकेशन कहते हैं अप केन्द्र कहते हैं मल्टी टाइम्स आस्किंग क्वेश्चन है एसएससी एसएससी में भी बारंबार इस पे सवाल बन चुका है दोस्तों ठीक है चलिए बाकी सब लोग भी थोड़ा लाइक शेयर करते चलिएगा दोस्तों जी जी आंसर भी आप लोग देते जाइएगा अच्छा रेशमा जी मैंने पहले से ही टाइम टेबल आप सब लोग को जितने भी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं भैया है, मैंने टाइम टेबल यूट्यूब पे भी डाला है आपके सारे बैच में भी डाला है आप लोग जाके देखिए ना वहां पर लाइव क्लासेस शेड्यूल लिखा हुआ है आप उसको देख नहीं रहे हैं ठीक है पूरी शेड्यूल लिखा हुआ है अब एक दिन में देखो जहाँ सात से आठ क्लासेस हैं से हाँ आठ क्लास के आसपास हैं एक आध क्लास जैसे कल मैं नहीं ले पाया था कोई दिक्कत नहीं होता है इसीलिए तो चार चार फैकल्टी से लगे हुए हैं आप लोगों के लिए कि अगर एक फैकल्टी का एक आध क्लास मिस भी हो जाता है तो बाकी का तो कंटिन्यू करेंगे ही कल भी कम से कम आपके ऐप के ऊपर कम से कम पांच से छह क्लासेस लाइव हुई हैं रात को मैंने उन सबका का पी डी एफ नोट भी अपलोड कर दिया है ठीक है क्या होता है क्लासेस जब लाइव होती है ना तब वो इमीडिएटली ऐप पे नहीं आता है आपको लाइव दिखाई देगा बट वो स्टोर नहीं होगा एक दो घंटा लगता है तो मैं क्या करता हूं रात को ही एक साथ आपकी दिन भर की जितनी भी लाइव क्लासेस हुई हैं उनको मैं आपके प्ले में भी अपलोड कर दे रहा हूं कंटेंट में विथ पीडीएफ नोट्स तो मतलब सारा सिस्टम एकदम वेल ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहा है आपको परेशान होना नहीं है आराम से पढ़ते जाना है ठीक है चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्या है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता, करता है भी कि वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि रेखीय संवेक संरक्षण का सिद्धांत है कि कोणीय संवेक संरक्षण भैया कोणीय तो हटा दो क्योंकि कोणीय राशि केवल तब उपयोग की जाएंगी जब वृत्ताकार गति हो या आपके कर्विंग मोशन हो अब बच गया ये तीन तो ये याद रखिए जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए तो मैं आप लोग का आंसर देखना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर डाल के दोस्तों रिप्लाई करिएगा ठीक है जी गुड मॉर्निंग प्रिया जी तमेश जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप और बताइए बाकी सब लोग भी अपना आंसर रिप्लाई कीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में आंसर क्या आएगा कुछ लोग आंसर बी दे रहे हैं ठीक है ई एम आर एस का कोई जानकारी दे ई एम आर एस के एग्जाम में भी अभी मान के चलिए कि आपको समय मिलेगा और नवंबर दिसंबर के आसपास एक्सपेक्टेड है आप लोग का पेपर और मैं लगातार उसमें लगा हुई हूँ कि ई एम आर एस का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए क्योंकि थोड़ा सा उसमें कुछ चैप्टर ज्यादा हैं टी जी टी साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है वो सारा का सारा कम्पलीट हो जाएगा परेशान बिल्कुल ना होना तो इसका जवाब होगा रेखीय संवेक संरक्षण का सिद्धांत इनफैक्ट रॉकेट नोदन भी जो आप लोग करते हैं चाहे जेट जेट इंजन हो या रॉकेट प्रपोलशन हो ये सभी के सभी रेखीय संवेक संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है टम of of याद रखना फिजिक्स के अनुसार चार ही भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनको आप कंजर्व मानोगे और पूरा फिजिक्स इनसे बन जाता है न्यूमेरिकल फिजिक्स की बात करो हायर लेवल में मास कंजर्वेशन लॉ मतलब द्रव्यमान संवेक्षण के नियम एनर्जी कंजर्वेशन आपका मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द चार्ज कंजर्वेशन आवे संरक्षण ये चार भौतिक राशियां संरक्षित राशियां कहलाती है संरक्षण का मतलब क्या है संरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि चीजें कांस्टेंट रहेंगी कांस्टेंट वर्ड और कंजर्वेशन वर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं कांस्टेंट का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे सेम जैसे मान लो मैंने रिएक्शन शुरू किया टी इक्वल टू टू टाइम पे मेरी स्पीड क्या है या मेरी एनर्जी है दस जूल ठीक है जीरो टाइम पे दो सेकेंड बाद भी दस जूल सेकंड बाद भी दस सेकंड बाद भी दस जूल दिस इज द कांस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि शुरू में मेरी एनर्जी दस जूल है दो सेकंड बाद हो सकती है एनर्जी पांच हो जाए तीन सेकंड बाद हो सकती है एनर्जी आपकी तीन जूल हो जाए पांच सेकंड बाद सात जूल हो जाए और लास्ट के दस सेकंड बाद फिर से दस जूल हो जाए तो यहाँ इनिशियल और फाइनल सेम है बट बीच में चेंज अलाउ है बीच में चेंज अलाउ है इसलिए कंजर्व और कांस्टेंट दोनों सेम चीजें नहीं होती दोनों अलग अलग होती है, कंजर्व में बस इतना होता है कि मैंने उस कंफ्यूजन को अभी दूर कर दिया सवाल है यदि पृथ्वी और गुड़ी बल अचानक लुप्त हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से गायब हो जाए तो निम्न में कथन सही होगा थोड़ा सोच समझ के आंसर देना भैया एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार जो है ना ठीक है परंतु भार वही रहेगा वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों ही शून्य हो जाएंगे वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा चलिए आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दीजिए भैया क्या जवाब आना चाहिए ठीक है ठीके? जी प्रिया जी एब्सोल्युटली करेक्ट क्या जवाब आएगा अगर आपकी ग्रेविटी की वैल्यू इमीडिएटली जीरो हो जाए तब क्या खेल हो सकता है भाई तो हमको पता है सर वेट जो होता है ना भार जिसको आप बोलते हो भार का आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है W इक्वल टू एम जी तभी तो अगर ग्रेविटी जीरो है तो वेट तो जीरो हो जाएगा बट मैंने अभी अभी आपको बताया कि सर जो मास है जो द्रव्यमान है द्रव्यमान कैसी राशि है सर द्रव्यमान एक संरक्षित राशि है कंजर्व क्वांटिटी है और ये याद रखना ये कांस्टेंट रहेगा एक और फैक्ट आप लोग को बता रहा हूं मैं कि कभी भी आप किसी भी अलग अलग प्लेनेट के ऊपर जाओगे या उस पर जाओगे सेटेलाइट जैसे मान लो मैं चांद पे गया तो मेरा भार बदल जाएगा क्यों क्योंकि वहां की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से छ गुना कम है तो वहां पर अगर मैं इतना कूद रहा हूँ ना हो सकता है मैं इसका छह गुना ज्यादा ऊपर जंप कर पाऊं ठीक है आप बोलेंगे दिव्य शक्ति आ गई नहीं दिव्य शक्ति उस जगह की है ठीक है वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है तो हर जगह का ना वेट बदल जाता है हर जगह का वेट बदल जाएगा पर आप लोग का कभी भी मास नहीं बदलता मास एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है क्लियर है जी ऑप्शन में कुछ लोगों ने बी कहा है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा कहा है भाई कौन सा गांजा लिए हो भाई द्रव्यमान कोई शून्य कर रहे हो द्रव्यमान हमेशा कंजर्व रहेगा तो बी तो तत्काल प्रभाव से गलत है फिर सी भी गलत है द्रव्यमान बढ़ जाएगा यह भी गलत है ऑन सा ऑप्शन सही होगा भार शून्य होगा पर द्रव्यमान चेंज हो सकता है द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण के मान पर निर्भर करता है पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण जी है बृहस्पति पे गुरुत्व त्वरण पृथ्वी से सौ गुना ज्यादा है तो आपका द्रव्यमान भी सौ सॉरी द्रव्यमान वही रह जाएगा

मतलब इनके सिद्धांत आज से 500 साल पहले या उससे भी ज्यादा समय पहले आए थे और आज तक अपने अस्तित्व को बना के रखे हुए हैं तो भैया याद रखें न्यूटन को आप लोग गुरुत्वाकर्षण का जनक नाम देते हैं न्यूटन को हम लोग क्या नाम देते हैं सर गुरुत्वाकर्षण का जनक सबने बहुत फेमस स्टोरी सुनी होगी सर पे सेव गिरा और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी गुरुत्वाकर्षण के जनक कौन है फादर ऑफ ग्रेविटी दैट वॉज सर आइजक न्यूटन सबसे पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनका योगदान रहा गैलीलियो गैलीली, गैलीली ज्यादा समय जीने नहीं दिया गया वरना अद्भुत पूर्व कार्य करके जाते ये पृथ्वी से कोपर ठीक है सॉरी आपसे ग्रह के संबंधी नियम ना गैलीलियो गैलीली, गैलीली ने दिया था ग्रहों के गति संबंधी नियम और इसने कितने नियम दिए थे तो सर इसने तीन नियम दिए थे ठीक है ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था सर ये सवाल का आपका जवाब आ जाएगा सर कैप्लर ने दिया था पहला नियम क्या दिया था पहला नियम कि जितने भी ग्रह या जितने भी उपग्रह होते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूमते वो कक्षा में घूमते हैं यह है ग्रहों की गति का पहला नियम दूसरा नियम कि जो भी ग्रह या किसी भी जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो उस समय क्या होता है कि उसका जो क्षेत्रीय वेग है क्षेत्रीय वेग का मतलब क्या होता है कि निश्चित समय में आप लोगों का निश्चित दूरी वो तय करेगा मतलब एरिया जो रहता है ना टाइम वाइज वो क्या रहता है सेम रहता है मतलब क्षेत्रीय वेग नियत रहता है कांस्टेंट रहता है ये दूसरा नियम है तीसरा नियम इसने बड़ा इंपॉर्टेंट दिया था कि जो परिक्रमा काल है वो जो एलैप्स है बात कैसा सर दीर्घ वृत्तकार है तो जो परिक्रमा काल होती है ना वो जो आर आता है एवरेज रेडियस क्योंकि दीर्घ वृत्त में दो अलग अलग, अलग त्रिज्या होती है जिससे आपको साफ साफ दिखेगा दीर्घ वृत्त जो है ना सर यहाँ पर ये आप लोग का आर वन आ जाएगा ये आप लोग का आर टू आ जाएगा दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं Is that clear everyone? तो इसका जो एवरेज होता है।, ये है आप लोग का क्या है उसका कैप्लर का तीसरा नियम ग्रह संबंधी तो तीन नियम दिया गया था कैपलर के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर से आया हुआ प्रश्न होप तो सबको समझ में आया होगा एट्थ में जी अरविंद ने पटेल केमिस्ट्री प्रिया तमेश सबने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है हैंगठौर एवरी वन वेरी गुड ठीक है चलिए आप लोग भी मनीषा दीप्ति देवांगन जी आरती शिव कुमार राठौर वेरी नाइस अगले क्वेश्चन की ओर आए थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएं चलो बड़ दमदार क्वेश्चन आ चुका है हमारे बीच में एक साथ चार चार क्वेश्चन वाला ये मजेदार रहता है बहुत सारे फैक्ट बताता है चलेंगे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे मैनोमीटर मैनोमीटर क्या डिवाइस का क्या काम है समुद्र की गहराई नापने में यूज करते हैं कि गैसों का दबाव नापते हैं कि गैसों का आय घनत्व नापते हैं डेंसिटी ऑफ गैस या लोअर टेम्परेचर ताप को मेजर करता है तो मैनोमीटर बैरोमीटर ये नाम लेते ही आप लोग समझ जाते हो सर एटमोस्पियरिक प्रेशर कंसिडर करने में यूज किया जाता है मैनोमीटर भी और बैरोमीटर भी ये भी याद रखना मैनोमीटर बोल दे एक और डिवाइस नाम दे देगा बैरोमीटर दोनों का मेन पर्पस क्या है दोनों का मेन पर्पस है एटमोस्पेरिक प्रेशर कंसीडर करना तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया आप लोगों को फिर आता है सर फैदोमीटर फैदोमीटर का क्या पर्पस है सर कहां यूज होता है तो याद रखना ये क्वेश्चन ना एसएससी में कई बार आप पूछा जा रहा है ये यूज हो रहा है सर समुद्र की गहराई नापने में समुद्र की गहराई नापने में हम किसका यूज करते हैं सर फैदोमीटर का इसके अतिरिक्त आपसे तीसरा सवाल पूछा गया है क्रायोमीटर अभी एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी मूवी का नाम क्या था सर नंबी नारायणन द रॉकेटरी मैन है ना भारत में वो गजब पर्सनालिटी भाई उनके साथ क्या ही गलत हो गया मूवी देख के इतना आदमी को खुद के ऊपर शर्म आया कि इस लेवल के दिमाग को भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं और क्या ही रिस्क लिया है उन्होंने अपने जीवन में भाई इंस्पिरेशन है भाई एकदम इंस्पिरेशन है तो क्रायोजेनिक उसमें इंजन की बात की गई थी आज भी आप लोग का जो चंद्रयान गया ना वो उसी क्रायोजेनिक इंजन के बदौलत ही गया जो सफल मिशन हुआ ना हमारा चंद्रयान का तो उस बंदे ने बनाया उन क्रायोजेनिक इंजन को सबसे पहले दिखाया गया उस मूवी में उसके आधार वही थे ठीक है तो क्रायोमीटर का मतलब ही याद रखना कि क्रायोजेनिक इंजन एटमोस्फियर में जाएगा उतनी ठंडी को बर्दाश्त करेगा टेम्परेचर का ही मेन खेला रहता है तो क्रायोमीटर क्या करता है सर ये लोअर टेम्परेचर को मेजर करता है ऐसे ही दोस्तों मेरे अगर हायर टेम्परेचर की बात आ जाएगी हायर टेम्परेचर वेरी हायर टेम्परेचर मतलब किसी स्टार, स्टार के अंदर का ताप नापना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सर पायरोमीटर क्या यूज करते हैं सर पायरोमीटर ये भी याद रखेंगे इसके ऊपर भी बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में भी जितने भी डिवाइसेस हो सकते हैं सभी का मैंने आप लोगों को पूरा फैक्ट पढ़ाया है कि कौन सा डिवाइस किस पर्पस के लिए यूज होता है ठीक है आपकी तैयारी इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू रखेंगे मेरा पर्पज बस इतना रहेगा दोस्तों परीक्षा जब भी आए हमारी तैयारी का जो हमने इतना मेहनत कर रखा है ना वो मेहनत हमसे छूटे ना क्योंकि एक तो बहुत मेहनत लगता है बच्चे को सिलेबस कंप्लीट करने में अब फिर अगर आपने एक दो महीने का वैक्यूम खा लिया गैप करा लिया तो भैया पूरा का पूरा पढ़ा हुआ सफा चट हो जाएगा और फिर इस एज में आके बार बार नहीं पढ़ा जा पाता है इसलिए मैं आपकी तैयारी पे जंग नहीं लगने दूंगा बस आपको मेरे मनोबल को बना के रखना है बाकी तैयारी आपकी पूरी ऐसी चलते रहेंगी ऐप के ऊपर जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी उनके लिए वो भी व्यवस्था सबसे न्यूनतम शुल्क में बाकी यहां पर जो यूट्यूब पर सर्च हो रही मैं पहले भी बोलता रहा हूं टोटली फ्री रहेंगे दोस्तों हम रोज आएंगे रोज एक दूसरे से मिलेंगे जो भी हमारा समय हम लोग को अगर मिलता है एग्जाम अगर बाद में होता है तो मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं हकीकत बता रहा हूं हम रोज मिलेंगे एक दूसरे से सुख दुख की बातें करेंगे मोटिवेशन मेंटेन करके चलेंगे है ना कई बार ज्यादा तो गुस्सा आएगा सरकार को गाली दे लेंगे। <laughs> क्या यार दुख लगता है ना क्योंकि मध्य प्रदेश में देखो यार दो में वैकेंसी हुई है पांच वर्षीय योजना लगा के पुलिस की भर्ती है आपके शिक्षक की भर्ती कुछ भी नहीं हुआ वही सेम हाल छत्तीसगढ़ में भी है ठीक है यहाँ तो अलग भ्रष्टाचार का तमाशा चल रहा है बच्चे परेशान है कैसे बोलोगे अगले सवाल की ओर आइए क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर टेन ध्यान देंगे और जल्दी से रिप्लाई करेंगे सवाल क्या है सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है भैया याद रखेंगे जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है मैं सबको आप लोग को एक बार बताया हूं कि भैया विभग्योर या याद आ रहा है बैजानी हप्पी नाला ठीक विवग्योर उल्टा लिख दिया मैंने ठीक है पूरा सीक्वेंस उल्टा हो गया चलो नीचे से लिखना है ये सर ग्योर। मैं एक बार में ना ये पूरी बात बता रहा हूं और ये जो चीज अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं आप लिखित रूप से ले ले भाई कि इस पे पक्का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सात सौ सात सत्तर नैनोमीटर या सात सौ नैनोमीटर के आसपास लोगे या इसी को आप सात हजार सात सौ एर में स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो क्योंकि एक नैनोमीटर जो होता है सर वन नैनोमीटर जो होता है वो टेन की पावर माइनस नाइन मीटर होता है याद रखेंगे ये भी सवाल बन जाता है कई बार और जो एक एर में होता है, नील एम स्ट्रॉन्ग चांद पे जाने वाला पहला इंसान उसकी स्मृति में ये यूनिट रखा गया है ये टेन की पावर माइनस टेन मीटर होता है जो कि किसके बराबर होता है सर ये एटॉमिक साइज के बराबर होता है परमाणु के आकार के बराबर होता है एक परमाणु का आकार एर्मस्ट्रॉन्ग लेवल में लिया जाता है ना भी काकार इससे भी एक लाख गुना छोटा होता है तो वो टेन की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर लिया जाता है जिसे हम लोग फर्मी मीटर के नाम से जानते हैं फैक्ट क्लियर है सभी लोग को लाइक शेयर करते चलिएगा दोस्तों उसमें कंजूसी नहीं करना ठीक है चलिए अब दूसरी बात यह है ये जो रहता है ये लगभग लगभग फोर हंड्रेड एनोमीटर या मेरे प्यारे साथियों चार हजार एमस्ट्रॉन्ग के आसपास होता है पूरा फैक्ट मैं आप लोग को एक ही क्वेश्चन के अंदर बता देने जा रहा हूं अब याद रखना सर वॉयलेट के नीचे अल्ट्रा वॉयलेट रेड के ऊपर इंफ्रा रेड के ऊपर इंफ्रा जिसे आप लोग अवरक्त प्रकाश का नाम जानते हो ठीक है और वायलेट के नीचे अल्ट्रा वॉयलेट जिसे हम लोग पारा बैंगनी प्रकाश कहते हैं तो प्रकाश की किरणें अपने तरंग धैर्य के आधार पे तीन अलग अलग रूप में पाई जाएंगी एक होगा दृश्य प्रकाश दूसरा हमारा कौन सा होगा प्रकाश ठीक है और तीसरा होता है हमारा पराबैंगनी प्रकाश इन तीनों के अपने अपने उपयोग है दृश्य प्रकाश के कारण ही हम लोग सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में चीजों को देख पाते हैं और प्रकाश में थर्मल गुण पाया जाता है तो जो धूप में आपके कपड़े सूख रहे हैं पूछा जाएगा कि भैया वो कपड़े किस प्रकाश के कारण सूखे हैं या धूप में हम लोग चलते हैं हमको गर्मी का एहसास होता है क्यों क्योंकि औरक्त प्रकाश इंफ्रारेड रेडिएशन वहां मौजूद है और परावैग्नि प्रकाश तो भैया सौ बीमारियों का जड़ है खतरनाक है ये ओजोन लेयर इसीलिए आप लोग पढ़ते हो अब ओजोन आई तो 16 सितंबर का डे भी याद रखना 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन याद आ जाता है। 1987, 16 प्रोटोकॉल रहा है सब लोग लोग को चलो कितने सारे फैक्ट हम पढ़ा रहे हैं अब यूबी रेस के नीचे आप लोग याद रखेंगे इसके नीचे सर आप लोग एक्सरे पढ़ेंगे कॉस्मिक रेस पढ़ेंगे ठीक है गामा रेस पढ़ेंगे गामा रेस ओके आपका कॉस्मिक रेस ये जो है ना सर ये सब आप लोग के ना जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे हो जैसे जैसे आप लोग नीचे उतर रहे हो तब आप याद रखना कि इनका वेवलेंथ घटते जाएगा वेवलेंथ घटते जाएगा और हम लोग को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है कि सर फ्रीक्वेंसी टू होता है सी मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है जो तरंग धारे है वो वेवलेंथ के व्युत क्रमानुपाती है इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी दूसरा फॉर्मूला और पढ़ा रहा हूं कि भैया जो एनर्जी होता है प्लांट्स के नियम के हिसाब से वो एच इन फ्रिक्वेंसी होती है तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है तो इसलिए ये सब जो एक्सरे गामा रेज कॉस्मिक रेज ये सब हमारे बॉडी को पेनिट्रेट कर सकते हैं उसके आर पार जा सकती है एक्सरे हमारे शरीर में चमड़े को पार करके हमारे हड्डियों तक पहुंच पाता है कि नहीं हाँ हड्डियों में फंस जाता है इसलिए उसका फोटो खिंचा जाता है और उसी को मेडिकल में एक्सरे एक्सरे बोलते हैं ठीक है ऐसे ही याद रखो ऊपर में इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर आता है सर रेडियो वेव्स रेडियो वेव्स से पहले आता है सर माइक्रोवेव्स ठीक है कौन आता है सर माइक्रोवेव्स ठीक है तो माइक्रोवेव्स का अगर पूछा जाए तरंग धैर्य ज्यादा है कि कम है तो भैया माइक्रोवेव्स का तरंग धैर्य ज्यादा है तरंग ज्यादा होने के कारण उसकी जो आवृत्ति है वो कम है एनर्जी भी कम लगेगी उसको चलने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में तो आप सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है सबसे पहला आप लोगों से यही पूछा गया है किसका तरंग धैर्य अधिकतम है भैया ऊपर जाने पे वेवलेंथ क्या हो रहा है ऊपर जाने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रहा है। तो एनर्जी घट रहा है। आपकी मर्जी है अब मुद्दा यह है सर पूछा जाता है सबसे ज्यादा किस तरंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है सर रेडियो का। किसका सबसे कम होता है सर कॉस्मिक रेस का आवृत्ति किसकी सबसे तो ज्यादा होती तो है तो कॉस्मिक रेस एक्स रेस ऐसा और जो इसका रेडियो वेब उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है अगर प्रकाश के ये तीन फॉर्म दे दिए जाए इंफ्रा रेड विजिबल और अल्ट्रा वायलेट सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है सर अल्ट्रा वायलेट की ठीक है इसलिए ये हमारे सल तक पहुंच जाता है और उसको डैमेज करता है जिससे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं स्किन कैंसर और ये सब ठीक है चलिए आप लोगों को सवाल पूछा गया वेवलेंथ के ऊपर तो यह वेवलेंथ अधिकतम किसका है ऊपर जाने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है तो अधिकतम किसका है सर गामा रेस का तो सबसे कम होगा सर गामा का सबसे कम होगा मैंने पूरा अगर वेब लेंथ का अगर आपसे ऑर्डर पूछ दिया रहता सर आप पूरा बता देते डी का सबसे कम डी के बाद ए की बारी ए के बाद सी की बारी और बी वाले का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और यही चीज फ्रिक्वेंसी के टर्म में पूछ देता तो गामा रेडिएशन जो है उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा निकलती तरंग के उल्टा होता है आवृत्ति तो इस एक सवाल के अंदर दोस्तों लगभग लगभग हमने पूरे चैप्टर का ज्ञान हासिल कर लिया और आप सभी स्टूडेंट में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है एक दो लोगों ने गलत भी कर दिया है 999 कर दीजिए मैं हकीकत बता रहा हूँ आपकी जो बैच की वैलिडिटी है दोस्त वो पूरे एक साल के लिए है ठीक है बारह सौ निन्यानबे में आप खुद जानते हैं कि हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा है और जो एम वाले जो हैं ठीक है उन लोग का साइंस स्पेशल है मैथ्स स्पेशल है वो नाइन फोर्टी नाइन में ही है अब आप मान के चलो कि बारह सौ तेरह सौ रुपये में हम पूरे एक साल के क्लास दे रहे हैं मतलब सौ रुपये मासिक मतलब एक दिन का लगभग तीन रुपया और उस एक दिन के तीन रुपये में आप लोग की सात से आठ क्लासेस होने जा रही हैं तो आप तीन रुपये को भी अगर आप सात से भाग दे दोगे दोस्तों तो आप खुद देख लो ना कि भैया उसमें टेस्ट पी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की लाइव कंटिन्यू क्लासेस तो ये सारी चीज का जो ओवरऑल कॉस्ट हो रहा है ना केवल पांच से सात पैसे पर लेक्चर पड़ रहा है एक घंटे की आपकी क्लास की ना टोटल कॉस्टिंग जो ऐप पे जाके खर्च कर रहे हैं बच्चे आप बता दीजिए हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो पांच पैसे दस पैसे में आपको अधिकारी बनाने का सपना दिखा रहा हो और हम बनाते हैं रिजल्ट में आप भी जान रहे हैं कि अनबीटेबल रिजल्ट रहता है हम तो मजाक मजाक में स्टेट रैंकर्स दे रहे हैं ठीक है और हम नहीं दे रहे हैं बच्चों की मेहनत है ये उनकी लगन है ठीक है उनका समर्पण है कि वो हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमारी जिम्मेदारी होती है कि जिसने भरोसा किया है जीत फाउंडेशन को अपना परिवार माना है वो अफसोस नहीं करेगा ठीक है तो आप इन चीजों को समझिए और आप लोग शेयर नहीं करते हो मैंने बीच में ऑफर निकाला था अपने बर्थडे में एक हफ्ता रखा था ठीक है मतलब वही बात है ना मेरे खुद के साथ अस्सी हजार बच्चे से ज्यादा जुड़े हुए हैं अब वही बात है कि उन बच्चों को तो कम से कम दो लाख तक उस वीडियो को बेचना चाहिए था बट उदास हो गया बीच में ठीक है तो चलिए अब क्या ही बोला जाए बट फिर भी जो अपने नेक कर्म है उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा सारे इंस्टीट्यूशन के फीस लगातार बढ़ते जाते हैं समय के साथ सबके बढ़ रहे हैं ठीक है कोई एक हजार से आता है वो पंद्रह सौ दो हजार ढाई हजार तीन हजार ऐसे करते जाता है जीत फाउंडेशन जितना नाम बना रहा है बी जी पी रैंक वन आप लोग के टीचर भर्ती में ओवरऑल स्टेट रैंक टू रैंक नाइन इन सब के भी इंटरव्यू में अगले एक हफ्ते के अंदर अपलोड कर दूंगा आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे ऐसे ऐसे रिजल्ट दे के भी हमने आज तक अपनी फीस को वहीं पर सस्टेन करके रखा है कारण यही ना लोग आगे यूट्यूब में लिख के जाते हैं कमाने की बात रही है पैसा कमा रहे हैं हम अरे भैया ये पूरा एक साल इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी तो चलाना है आप लोग के लिए टेस्ट पेपर तो बनवाने हम थोड़ा भी टाइप करते रहेंगे छह स्टाफ लगा के रखा ताकि कहीं कमी ना हो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में छह टाइपिस्ट नहीं होते हैं हकीकत जान रहे हो छत्तीसगढ़ के सारे बड़े इंस्टीट्यूशन में तो मैं काम कर चुका हूँ ठीक है तो भी मतलब लोग लिख के जाएंगे पैसा कमाना ही मोटिव है अच्छा हम पैसा कमा रहे हैं इतना बड़ा रिजल्ट देने के बाद मुझे पता है अगर मैं इसको बारह में भी भेजूंगा ना तो भी मुझे स्टूडेंट का कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा बट नेक नियत है सबकी फीस बढ़ रही है हम रिजल्ट बढ़ा रहे हैं बावजूद भी फीस नहीं बढ़ा रहे तो आप समझिए कि हम किन उद्देश्यों से चल रहे हैं दोनों भाई चलिए आप लोग को शेयर करना चाहिए दूसरे सारे दोस्तों को इन्फॉर्म करना चाहिए कंटेंट में कहीं कमी है ना आज तक इतिहास बता दो कंटेंट में कोई बच्चा आके ना आर्ग्यू करके चले गया होगा ठीक है डिसिप्लिन थोड़ा सा बिगड़ जाता है पर कंटेंट में कोई बच्चे यहाँ डाउट नहीं करता कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आएगा हम तो साफ बोलते हैं खाली मेरे साथ चल ना लो कैसे नहीं क्लियर होगा देखिए शाश्वत जी लिखे नहीं सर कम मत करिए फीस नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम अब कम वाली फीस वाली बात ही नहीं है हम बस व्यवहार पे चल रहे हैं हर स्टूडेंट हमारा परिवार है मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट में पता किया तो वहाँ छह हजार सात हजार बोल रहे हैं उस मामले में जीत फाउंडेशन बेस्ट है बात पैसे की नहीं है मैं साश्वत जी आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने फैक्ट्स को रखा है बट हकीकत यह है पैसे की है ही नहीं शिक्षा एक ऐसा स्रोत है ना जिससे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा ठीक है आप पढ़ लिए रहोगे ना चलो नौकरी कहीं लगी भी ना लगी आप कहीं ना कहीं दो पैसे पढ़ा के कमा लोगे अपना घर का आप जीविका चला लोगे ठीक है इसलिए हम लोग रखते हैं और हम उन एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं जिनकी सैलरी पचास हजार से ज्यादा होगी चलिए स्वर की पिच किस पर निर्भर करती है तो याद रखना स्वर की आवृत्ति पर निर्भर करती है अब मुझे एक बात बताना इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग से पूछने जा रहा हूँ ठीक है ठीक है आपका रेंट कम हो रहा है सर जी मैं जिस जगह पे इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ ना हकीकत बता रहा हूँ <laughs> वो पूरे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का द मोस्ट कहना चाहिए महंगा जगह है वो ठीक है आप आएंगे स्विमिंग सेंटर में तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग है आप वहाँ का रेंट सुनेंगे तो आपके नीचे से पैर खींचक जाएगा बावजूद भी हम मतलब हकीकत यही है कि एक एक स्टूडेंट पे ना जीत फाउंडेशन कुछ भी नहीं अर्न करता बस दुआएं अर्न कर रहा है साथ अर्न कर रहा है स्नेह अर्न कर रहा है और वो भी चल जाएगा ठीक है अब मेरा क्या ही नुकसान है ठीक है जब बीस इक्कीस साल का था तब मेरा पैकेज पैंतीस लाख के ऊपर था तो अब तो भी आप समझ सकते इतना अनुभव आ चुका है चलिए नेक्स्ट आगे आ जाइए आवृत्ति पर ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती आवृत्ति पे एक बात बताइए आपने देखा होगा कि जब महिलाओं की आवाज होती है वो थोड़ी पतली होती है पुरुषों की आवाज थोड़ी मोटी होती है मेरी तो और ज्यादा मोटी है ना <laughs> मजाक कर रहा हूं तो आप ये बताइए कि किसकी आवृत्ति ज्यादा है तो भैया यहाँ पर होता है वोकल कॉर्ड स्वर कोश जिसको बोल सकते हो तो महिलाओं की जो साउंड होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है हाई होती है इसलिए उनकी आवाज पतली होती है मधुर होती है जो पुरुष होते हैं इनकी वोकल कोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना तो थोड़ी कम होती है इसलिए पुरुषों की आवाज मोटी होती है पुरुष और महिलाओं में तुलना की जाएगी तो ये नहीं कि मोटा आवाज मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा नहीं ठीक है पतले आवाज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो ज्यादा दूर तक निकलता है समझ में आया बात ठीक है जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा चार महिलाएं एक साथ बात कर रही हैं चार पुरुष एक साथ बात कर रहे हैं तो चार महिलाओं की जो बात है ना वो ज्यादा गूंजती है वो ज्यादा गूंजती है इसलिए लोग उनपे ऐसे ही आरोप लगा देते हैं अरे कहीं भी इन लोग शुरू हो जाते हैं बात करना है बात करना है कारण है ये है कि उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो भैया वो इंटेंसिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है यही पूछा गया पिच किस पर निर्भर करती है उनकी पिछाई है फ्रिक्वेंसी हाई है पिछाई है पुरुषों की पिच थोड़ी कम है ठीक है अच्छा इसी से एक सवाल और पूछू कि मान लो शेर की सबसे खतरनाक आवाज आदमी सुनता है है तो सीहरन आ जाती शरीर में होगी मच्छर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी यहां उल्टा चलता है जैसा आप सोचेंगे उसका विपरीत चलता है ठीक है चलिए अगले सवाल की ओर आए क्वेश्चन नंबर घरेलू विद्युत तार स्थापन मतलब कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो मूलतः किस क्रम में होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है श्रेणी क्रम में पैरल कॉम्बिनेशन में होती है समांतर क्रम में या सीरीज और पैरल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है या प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध और अनन्य समांतर संबंध होता है तो भी इसका जवाब जो होगा ना सर समांतर क्रम में होता है कारण क्या है क्योंकि समांतर क्रम में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना वो कॉन्स्टेंट रहता है तो जो घरेलू परिपथ है उसमें आपको विभाव को नियत मान के काम चलाना है कॉन्स्टेंट रखना है और दूसरा बड़ा फायदा क्या है पता है अगर आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरी की पूरी वायरिंग कर दिए हो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉलोनी में दस घर होते हैं और सब में सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हुआ है अचानक से कभी ओवरलोड आया ना तो दसों घर में आग लग जाएगी दसों घर में आग लग जाएगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है वो सेम करंट सब में बढ़ जाएगा सबके उपकरण जल जाएंगे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में आग लग जाएंगी तो इसीलिए जो डोमेस्टिक वायरिंग की जाती है उसमें सीरीज और पैरल दोनों का यूज होता है बट पैरल कॉम्बिनेशन ज्यादा रखा जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट किया जा सकता है तो साइंस के अकॉर्डिंग ना आज के जितने भी सवाल हो रहे हैं ये हमारे डेली लाइफ को भी टच करने वाले सवाल हैं ठीक है

एक एक डिवाइसेस क्या है उसका क्या पर्पस है क्या रोल है सब कुछ मैंने आप लोगों को कवर कराया है तो भैया अगर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं डायनामो या तो जनरेटर ठीक है जनरेटर का काम ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बट यहां पर उल्टा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले आएगी और उससे मैकेनिकल वर्क होगा तो आपने अपना कूलर देखा है सर कूलर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब वो चलता है और उसका पंखा घूमता है पंखा घूम रहा है मतलब मैकेनिकल वर्क कर रहा है तो मेरे प्यारे साथियों पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट आया मैकेनिकल वर्क आउटपुट मिला तो कूलर में ऐसा काम क्यों हो रहा है क्योंकि वहां मोटर लगा, लगा है क्या लगा है सर मोटर लगा है ठीक है।, है तो भैया मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाता है और वही जो हमारे डायनेमो होते हैं जनरेटर होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं सौर पैनल्स या सोलर डिवाइसेस सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं ठीक है जो हमारे डायनेमो है या टर्बाइंस हैं ये समुद्र के अंदर टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती हैं बैटरी या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही हैं इलेक्ट्रोलैटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन बना रहे हैं तो सबके अपने अपने पर्पस है सबके अपने अपने उपयोग हैं सब जगह इस पे सवाल पूछा जाता है अगला सवाल आपके सामने थोड़ा कंप्यूटर को भी हम लोग टचअप दे दे रहे हैं पूछा गया कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं कंप्यूटर के दुनिया में अगर कुछ गलती होती है कुछ एरर होता है तो उसे आप क्या कहेंगे चिप कहेंगे बाइट कहेंगे बग्स कहेंगे या बिट कहेंगे तो ये नाम आप सबने सुना होगा अगर आपके दोस्त यार में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तो हम लोग इसी कोडिंग में बात करते हैं यार बग्स आ गए हैं बग्स आ गया मतलब कोडिंग के दौरान कुछ एरर आ गया है ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही अरे वाह लग रहा है कंप्यूटर का नॉलेज सबको है आधुनिक भारत के लोग हैं आप लोग मतलब चलिए शानदार अगले सवाल की ओर बढ़े कंप्यूटर में जो एरर आता है उसे हम लोग बग्स कहते हैं तो इस सीरीज में ना आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर इन्वायरमेंट पांचों सेक्शन साइंस को पूरा का पूरा ओवरऑल क्वेश्चंस का सीरीज आप लोग को मिलने वाला है ठीक है डेली आप लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह साढ़े सात बजे साइंस की क्लास का आप लुप्त उठाएंगे और तैयारी जारी रखिए मैं बस इतना बोलूंगा तैयारी सब एक साइड है है बस साथ में बने रहो ठीक मैं भी आप लोगों के लिए ही आया हूँ बेहतरी से मेहनत करने के लिए क्योंकि परिवार के ही लोग ना जब समय खराब होता है तो सबसे काम के लोग होते नहीं तो फिर क्या मतलब परिवार कहलाने का अब मैं तो मानता हूं मेरे से जुड़ा हुआ हर बच्चा मेरा परिवार है ठीक है चलिए और मैं तो प्रार्थना करता हूँ भाई जल्दी से वैकेंसी आ जाए एटलीस्ट मतलब छत्तीसगढ़ में वैकेंसी अनाउंस हो जाए एम वालों का सिलेबस तो देते दे कम से कम पांच महीने हो चुका पात्रता परीक्षा को आज तक सिलेबस नहीं दिया है ठीक है दुख लगता है यार इतना लापरवाही ठीक है नेक्स्ट है किसको क्या बोलोगे सब एक ही जैसे हैं एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है एक बाइट क्या है भैया एक बाइट जो होता है ना वो क्या है ऑप्शन आठ आठ बाइनरी अंक दशमलव पद्धति वाले अंक दो बाइनरी अंक या दो दशमलव अंक भैया यहाँ पर बाइट्स के ऊपर सवाल किया गया है चलो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करो कि एक बाइट क्या कहलाता है ठीक है एक बाइट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप सबको पता है एक बाइट बाइनरी सिस्टम में यूज होता है बट वो आठ बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है और बाइट से फिर किलोबाइट किलोबाइट से मेगाबाइट मेगाबाइट से गीगाबाइट गीगाबाइट से टेराबाइट इस तरीके का पूरा सिस्टम आगे बढ़ते रहता है ऑप्शन ए बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर ए दिया है जी जी सरिता ठीक है शाश्वत पटेल केमिस्ट्री जी बिल्कुल बिल्कुल विजय लक्ष्मी वेरी गुड वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है शिक्षक भर्ती में भी आया हुआ क्वेश्चन है अगला सवाल सवाल है सर पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार अच्छा पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्वेश्चन बस इतना ही है सोलवा नंबर पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भी आप सबको पता है कि पृथ्वी जो है ना सर पृथ्वी जो है हमारी धरती माता ठीक ये धरती माता के ऊपर जाने यहाँ ये धरातल सत्ता है जहां पर हम लोग खड़े रहते हैं ठीक आप सबको पता है पृथ्वी की सतह से जब मैं ऊपर जाऊंगा तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन घटता है कैसे घटता है तो सर जी माइनस जी ब्रैकेट में वन माइनस ये मिला जुला के ऐसा ही कर लो डायरेक्टली दिस इज माइनस है ओके मतलब तो माइनस ही हो रहा है ना मतलब कि जो जीडेस की वैल्यू है वो जी से क्या होती है कम होती है तब जब आप ऊंचाई पे जाते हो जब आप गहराई में उतरते हो यह पृथ्वी का कोर ओके जब आप गहराई में उतरते हो तो उस दौरान उस दौरान भी सर आप लोग का जो डैश आता है वो क्या होता है सर वो जी वन माइनस एच बार आता है तो मेरे प्यारे साथी इतना समझिए ऊंचाई पे पे जाने गुरुत्व त्वरण के मान में दो गुनी कमी होती है गहराई पे जाने पे ऊपर जाने पे भी जी घट रहा है ठीक है ऊपर जाएंगे हाइट पे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं तो भी जी का मान घट रहा है नीचे आ रहे हैं तो भी जी का मान घट रहा है ऊपर गया तो जी का मान घट गया ठीक नीचे भी आया पृथ्वी के गर्भ की ओर जाने लगा तो भी जी का मान घट ही जाएगा नीचे जा रहा हूं तो भी जी का मान घट ही रहा है तो इन दोनों ही स्थितियों में आप याद रखेंगे पृथ्वी की सतह पे मैक्सिमम गुरुत्व त्वरण कहाँ मिलता है तो भी पृथ्वी की सतह पर ही मिलता है ऊपर जाने पे भी घटता है नीचे आने पे भी घटता है और घटने के रेशियो ऊपर जाने पे डबल रहता है नीचे आने वाले की तुलना से और यह पृथ्वी का कोर मतलब गर्भ जहां पर मैग्मा भरा पड़ा है यहां पर अब आप लोग को याद रखना है कि जो जीडेश की वैल्यू होती है वो जीरो होगी अगर जीडेस जीरो होगा तो वेट भी जीरो होना ही है ये तो पृथ्वी के कोर पर मासलेस का कंडीशन आ जाता है जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तब भी द्रव्यमान हो जाते हैं भारहीन हो जाते द्रव्यमान तो नहीं भारहीन हो जाते हैं वैसे ही पृथ्वी के कोर में जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होने के कारण उसका वेट जो है मा, द्रव्यमान जो है वो जीरो हो जाएगा पर जो मास रहेगा मास आप लोग को मैंने हमेशा बोला है कंजर्वेटिव क्वांटिटी है वो नहीं चेंज होगी वो वैसे ही रहेगी तो जवाब क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी वाला कौन सा हो जाएगा सर बी वाला इज दट क्लियर एवरी वन सबको मजे से समझ में आया हाँ या ना ठीक है धरती का केंद्र उज्जैन शहर है क्या सर आस्था का केंद्र तो जरूर है ठीक है और बिल्कुल महाकाल की नगरी है वो सुबह सुबह आपने एकदम स्मरण दिला दिया जय महाकाल जय भोलेनाथ आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की ओर गन मेटल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लोग जैसे, यूपीएससी जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन में रिपीट किया गया है ये गन मेटल किसकी मिश्र धातु है किसका आप लोग का एलोय बनता है कौन गन मेटल ऑप्शन दिया गया निकिल टीन और तांबा तांबा मतलब कॉपर फॉस्फोरस और निकिल या मैंगनीस फॉस्फोरस और निकिल या तांबा टीन और जिंक किससे मिलकर बनता है गन मेटल मुझे आप लोग के जवाब देखने हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर डाल के जल्दी से आप लोग वो कीजिएगा रिप्लाई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का जवाब क्या आ रहा है गन मेटल किससे मिलकर बनता है जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के रिप्लाइज का जल्दी हरिया ए बी सी डी वो कौन सा होगा जी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में एक जने ने भी आंसर नहीं दिया है भैया कैसा करते हो एक जवाब आ चुका है ए ओके okay. और और रिप्लाई करे सभी लोग अरे वाह ए बहुत सारे लोगों ने कहा है निकिल तीन और तांबा ए और बी के बीच में तकरार जारी ठीक है एक अपल भारी ओके चपका रहे हो कि दूसरे वाला आंसर सब लोग ए बोल रहे हैं तो ए बोल रहे हो ऐसा होता है ना इंडिया में चाल <laughs> जवाब आएगा सर थोड़ा इसको चेक भी कर लेना इसमें निकिल टीन और जिंक इसको आप लोग याद रखेंगे टीटी आपके गन का नाम क्या है टीटी जिसमें टीन है तांबा है टी से तांबा टी से टीन और जिंक ठीक है गन मेटल में हालांकि थोड़ा चेक भी कर लेना अगला क्वेश्चन हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है ये एकदम जरूरी सवाल है आज की पूरे सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है उसमें हानिकारक पदार्थ क्या है आप लोगों को पता है कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई ये जहरीली शराब पीने से कई बार लोगों की आंखें चली जाती हैं अंधी हो जाती हैं तो जहरीली शराब में वो कौन सा केमिकल पाया जाता है जिसके कारण मौत हो जा रही है या बॉडी में परमानेंट डैमेज आ जा रहा है तो भैया उसी केमिकल को पूछा गया क्या वो इथाइलकोहल है तो भैया इथाइलकोहल तो असल सोम रस है धरती पे पानी के बाद किसी दूसरी चीज का सबसे ज्यादा सेवन होता है तो वो कौन है सोम रस अत्यंत आनंददायक है ना जिन लोग पीते होंगे अपन तो नहीं है उस लिस्ट के क्योंकि हमको पता है हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं यहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन किसी स्वर्ग से कम नहीं है एटमोस्फेरिक प्रेशर हमेशा आप लोग का तीस पैंतीस बने ही रहेगा और बॉडी को ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम को डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम को फंक्शन करने के लिए भी उतना ही चाहिए तो जरूरत ही नहीं है एशिया वाले जो कंट्री वाले हैं भारत पाकिस्तान नेपाल ये जो है ना एशियन कंट्रीज इनको मास मदिरा सॉरी मदिरा का सेवन करने की जरूरत है ही नहीं ठीक है उन लोगों को करना पड़ता है जैसे यूरोपियन कंट्रीज जब साल भर बर बर्फ है बॉडी टेम्परेचर आप लोग का माइनस में जा रहा है मतलब एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर उसके कारण लो है तो खाना नहीं पचता इसलिए घास फूस खाते रहते हैं बेचारे हमको देखो हम ढकील रहे हैं छोले भटूरे है सुबह सुबह फिर उसमें इडली सांभर का चटनी मिला के और चल रहा है गुपचुप बच गया वो भी डाल दे रहे हैं कुछ जगह बच जाती है कोई मिठाई उठाई आ गया कोई बात नहीं सब ठेल देंगे हम तो लोहा पचा लेंगे उतनी ताकत है हमारे डाइजेशन सिस्टम में क्यों क्योंकि हमारा क्लाइमेट स्वर्ग है और स्वर्ग में आप लोग को जरूरत नहीं है इसकी भैया इस सवाल का जवाब हो जाएगा सर मिथाई एल्कोहल क्या मिथाइल्कोहल एक्चुअल मेंल्कोहल में ही ना ये जो इथाइल एल्कोहल होता है सर सी टू एच फाइव फोर एच इसी में दोस्तों अगर आप लोग वाटर मिला देते हो इस वजह से ही आप लोग वाटर मिलाओगे तो भैया यही ना आप लोग को मिथाईल एल्कोहल में टूटता है और उसके कितने मोल बनते हैं सर दो मोल बनते हैं है ना ये प्रोसेस होने में कम से कम तीन दिन तक भी लग जाता है मान के चलिए कि इसमें तीस पैंतीस घंटे से ज्यादा लगता है मोर देन थर्टी आवर्स ओके

मिथाइल एल्कोहल में और वो भी कितने है? सर वो भी दो मोल दमदार जहर दो गुनी मात्रा में या तो आप लोगों को परमानेंट आई डैमेज कर सकता है आंखों में अंधत्व आ सकती है या तो इंसान की मौत भी हो सकती है अच्छा हाँ ये मैंने जानबूझ के बता दिया क्योंकि ये सब बहुत ज्वलनशील मुद्दे हैं ठीक है एकदम ये सब आपको पता होना चाहिए कि पानी मिला के और ये दुकानों की भी हमेशा चेकिंग होती है बहुत सारे लोग होते हैं ना देसी शराब वाले में एक बोतल को जैसे वो तो कलरलेस रहता है तो वो दूसरे बोतल में डाल के आधा आधा पानी मिला देते हैं और ऐसा पकड़ने पे हड्डी हड्डी तोड़ दी जाती है उनकी कारण ये है क्योंकि इसमें जान चली जाएगी ना लोगों की अब वो भी कलरलेस है मिथाईल भी थे सब कलरलेस है पानी जैसे ही दिखते हैं आपने एक बोतल का दो बोतल किया आप सौ की जगह दो सौ रुपये कमाए सौ रुपये आपका प्रॉफिट हुआ सौ रुपये तो चलो जो जाना है दुकान का वो जाएगा बट ऐसे करने में अगर वो शराब उसी दिन नहीं बिका वो दो चार दिन रुक के बिका तो दोस्तों आप समझ लीजिएगा कि वो किसी की आंखें छीन सकता है किसी की जान ले सकता है ठीक है इसलिए जितने भी लोग सोमरस वासी होंगे है ना आप लोग या तो छोड़ी दीजिए क्योंकि दुकानों में ऐसा होता ही रहता है और छोटी सी गलती किसी की एकदम स्पॉट डेथ का कारण बन जाती है हमने देखा अपनी आंखों के सामने एक बार महाराष्ट्र का केस आया था 104 लोग मर गए थे सर तीन दिन के अंदर जहरीली सर जहरीली सर इतना बड़ा सीन हुआ था 104 लोग कितनी मतलब घर का घर उजड़ गया आइए भारी जल एक प्रकार का क्या है भैया भारी जल इसको हम लोग डिटूओ बोलते हैं हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ना ड्यूटीरियम उससे मिलकर बनता है फैक्ट बता दे रहा हूं। इसका जो मॉलिकुलर मास रहेगा वाटर का अठारह ग्राम होता है इसका बीस ग्राम होता है ठीक है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डिटो है हैवी वाटर याद रखना कि लगभग उनतीस हजार लीटर जो वाटर रहता है इसके एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान केवल एक लीटर आप लोग का डीटूओ मिलता है तब तो ये डिटूओ बहुत बहुत ज्यादा रेयर टाइप की चीज मानी जाएगी क्योंकि उन्तीस हजार लीटर जल से खाली एक लीटर डिटूओ का निर्माण हो रहा है तो ये इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो बहुत नुकसानदायक प्रोसेस है है ना कितना होता है भाई उन्तीस हजार लीटर ओके अगला ध्यान से देखेंगे बोल रहा है कि इसको कहां यूज करते हैं भैया इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं डिटो को हम लोग कहां यूज करते हैं सर नाभिकीय तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं चलिए अभी इसके तुरंत बाद आप लोग की मैथमेटिक्स की भी क्लास होगी प्रेम सर आ चुके हैं तो अभी मैं अपना क्लास यहाँ पर कंप्लीट करूंगा ये लास्ट ही क्वेश्चन मान के चलना अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर में किसके रूप में यूज होती है सर मॉडरेटर मंदक के रूप में अच्छा चेक कर लेना शायद भारी जल का ना मंदक ग्रेफाइड मंदक होता है शीतलक के रूप में भी यूज करते हैं तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना ठीक है आज के लिए हम लोग यहीं पर रोकेंगे क्लास को इसके तुरंत बाद पांच छह मिनट के ही अंतराल में आप लोग की फिर से मैथमेटिक्स की भी क्लासेस चालू हो जाएंगी तो पूरी तरह से कंटिन्यू क्लासेस है अभी अच्छा मैथ्स वाली जो क्लास है वो ऐप के ऊपर चलेंगे ठीके? क्योंकि मैंने ऐप पे अभी सात से आठ लाइव कोर्स ही कर दिया है कहीं भी लाइव कोर्सेज में ना भाई दस दस गुना लोग फीस रखते हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन सबसे अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन हम आपको सबसे लोवेस्ट चार्ज में दे रहे हैं उसके अलावा भी एक सोच भी होती है शिक्षक की कि भैया स्टूडेंट का मनोबल ना टूटे इसलिए ये पूरी क्लासेस भी आप लोग की भी चलती रहेंगी लगातार यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना अपने सारे दोस्तों को बैठाओ सुबह शाम पढ़ाई करो ठीक है इधर उधर व्यर्थ की बातें ना सोचें स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड ही मिलती है और सरकारों की कमियों के कारण उनके बार बार विलंब करने के कारण अपॉर्चुनिटी खो जाती है जैसे मैंने अपने आंखों के सामने देखा है हमारे जैसे हम लोग रनिंग वनिंग करने जाते हैं तो क्या फिजिकली फिट थी दीदी लगेंगी वो एस आई की ट्रेनिंग के लिए मतलब लगता था कि यार ये तो फिजिकल में पूरे में पूरे मार देगी छत्तीसगढ़ में कोई इसके स्टैंड में नहीं रहेगा अब मुद्दा क्या हुआ एस आई भर्ती आई तब तक उनकी भाई पांच साल लेट कर दिया उन्होंने अठारह की वैकेंसी तेज मिली तब तक उनकी शादी हो गई और वो गर्भवती थी तो जिसको छत्तीसगढ़ में टॉप करना था वो इंट्रेंसी फिजिकल में बैठी नहीं पाई उसका तो ड्रीम चले गया ना किस स्टेटस का उसने अपना फिजिकल पूरा बॉडी को मेंटेन करके रखा था यही होता है सरकारों की लापरवाही से किसी का पूरा जीवन भर का सपना टूटता है और चलिए जैसा भी है पढ़ाई करना हमारा काम है पढ़ाना मेरा धर्म है पढ़ना और अपने आप को मेंटेन रखना आपका धर्म है मिलकर करेंगे बेहतर करेंगे ऑल द बेस्ट दोस्तों आज के लिए